बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ईगल पॉइंट को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। 2011 ईगल पॉइंट है मेरे पास। सेटअप पे क्लिक किया। सबसे टॉप वाले पे इंस्टॉल लोकल लाइसेंस सिंगल सीट पे क्लिक किया। इधर हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपने ईगल पॉइंट को सिंगल के साथ इंस्टॉल करना है, डबल प्रोग्राम के साथ इंस्टॉल करना है या ट्रिपल के साथ। डबल में ऑटोकैड या ऑटोकैड की किसी भी वर्जन के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ में माइक्रोस्टेशन वगैरह के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रिपल में ये तीन ऑप्शंस हैं, तीनों के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चूंकि हम इसको ऑटोकैड के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं, पहले वाले को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। इधर से जो वर्जन भी आप सेलेक्ट करेंगे ईगल पॉइंट, उसी वर्जन के ऑटोकैड के साथ इंस्टॉल होगा। और जब आप लोग प्रोजेक्ट खोलेंगे तो उसी ऑटोकैड में ही खोलेंगे। मैं इसको 2007 के साथ करता हूँ। तीनों ऑप्शन सेलेक्ट किए। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी लाइसेंसेस के फोल्डर में जाते हैं। ये जो फाइलें सारी हैं मेरे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अगर आप लोगों के पास विंडो एक्सपी हो तो ये फाइलें इस लोकेशन के फोल्डर में पेस्ट करनी है। अगर ये विंडो वेस्टा या विंडो 7 हो तो इस लोकेशन की डायरेक्टरीज में इसको जाके पेस्ट करना है। मेरे पास विंडो 7 है। इधर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर अगर इसको आप ओपन कर देते हैं, अगर फिर भी इस तरह का ऑप्शन आए तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। वैसे उमूमन तो ये ऑप्शन नहीं आता, लेकिन अगर आता है या उधर कोई फोल्डर नहीं होता तो आप लोग ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। ये पहले वाले कोड को मैंने कॉपी किया। दूसरे वाले को भी कॉपी किया। और तीसरे वाले को भी कर दिया। ये आपका ईगल पॉइंट इंस्टॉल हो गया और रजिस्टर भी हो गया। तो प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अगले लेसन तक इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।